नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर रुख। आशा व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की समस्याओं व मांगों के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय अनुसार ज्ञात है कि आशा और आशा सहयोगिनी पूरे दिन फील्ड में काम करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई विश्राम गृह व साफ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी घरों में ही करनी पड़ती है, जिसका जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। कोरोना महामारी में हमने अपनी जान को जोखिम में रखकर घर घर जाकर वैक्सीन का टारगेट पूरा किया, किंतु उसकी राशि हमें अभी तक नहीं मिली है। कई महीनों के कोरोना महामारी में ड्यूटी करने का 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हमें नहीं मिली, उल्टे कई प्रकार के फोटोकॉपी करवाने में हमें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। हमारे काम के घंटे निश्चित नहीं है, कर्मचारियों से भी ज्यादा काम किया जाता है, जिसे हम पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करते हैं, किंतु हमें आज तक कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। हमें कोई वेतन नहीं मिलता। इतनी महंगाई में मात्र 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अतः आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी निम्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। अपने किस मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है? मेरा नाम आरती शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश आशा आशा सहयोगी वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी सदस्य हूँ, और आज हम लोगों ने अलीराजपुर जिले में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर यहाँ धरना दिया है, जिसमें अलग अलग तहसील से आशा कार्यकर्ता आए हैं। हमारी मांग है कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और हमारा जो न्यूनतम वेतन है 21,000 रुपये वो किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं, और जब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारें हमारी मांगें पूरा नहीं करेंगी। आज 28-29 मार्च की ये देशव्यापी हड़ताल को हम लोग सफल करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए अलीराजपुर जिला ब्यूरो मुस्तकी मुगल की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।